दोस्तों आप ये देख रहे हैं इनको, इनको पिछले 4 से 5 साल हो गए लगभग, आईबीएस की परेशानी थी और वो भी कब्ज़ का मसला था, मतलब आईबीएससी जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। लगभग इन्होंने अभी 20 दिन दवा खाई है, सॉरी 40 दिन दवा खाई है और 90% तक ये ठीक हो चुके हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या क्या दवा दी हमने और कैसे कैसे इस्तेमाल कराई और किस तरह से इनको आराम हुआ, आप अभी देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। अगर आईबीएस जैसी बड़ी समस्या का इलाज है दोस्तों, बहुत मुश्किल तो हो पाता है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ इनका इलाज। और पहली बार जब ये 20 दिन की दवा ले गया था तो सिर्फ 5% आराम था, उसके बाद इनको बहुत तेज़ी से आराम हुआ और लगभग 90% ये ठीक हो चुके। देखिए हमने इनको क्या क्या दिया, अभी मैं आपको दवाइयाँ भी दिखाऊंगा आगे चल के कौन कौन सी दवाइयाँ हमने इस्तेमाल कराई। और 5 दवाइयाँ दी हैं और ये शायद मीरगंज से या सितारगंज से ऐसी कोई जगह है इनका गांव का नाम। चलिए दवाइयाँ देख लेते हैं हम। ये देखिए शरबत दीनार है और ये सफ़ूब किशनीजी गैस वाला जो कि हम अपने यहाँ बनाते हैं, सब जानते हैं इसको। और अर्क बादियान दिया है हमने, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं इनके। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी में या हर तरह के मर्ज़ में, आईबीएस में ये सारी दवाइयाँ चलेंगी चलेंगे, ऐसा नहीं है। इनको माजून दविदुलवर्द दिया जो आप देख रहे हैं, एक डब्बे में माजून दविदुलवर्द है, खमीरा मरवरीद भी है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो जब पेशेंट आपके पास आए या आते हैं तो हमें क्या करना होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने और बॉडी के उस वक्त की क्या हालत है उसके हिसाब से दवा रिकमेंड करनी होती है। कोई स्पेशल लिखा हुआ नहीं है कि ये सारी दवा दे दो और आईबीएस में काम करेगी। बहुत से लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि हमें भी ये दिक्कत है कि हम सेम यही दवा ले लें, तो ऐसा नहीं होता है कि सेम दवा ही चलेगी। आपका मिजाज क्या, पता क्या हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से इस तरह से इलाज की कराया करें। अगर आप आसपास में रहते हैं कहीं यहीं आसपास में, तब आप करके हमसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर इलाज कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। ऑनलाइन इलाज के लिए आप मैसेज करें व्हाट्सअप पर, और किसी भी तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत